मेहार से बौखलाए एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने सरकारी मशीनरी का चुनाव में दुरुपयोग किया है। हम विधानसभा स्तर पर हार की समीक्षा करेंगे और उसके बाद 2022 की तैयारी करेंगे, ऐसा दावा एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो या हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान दोनों अपने विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल और आजम खान ने रामपुर से विधानसभा का चुनाव जीता है, जबकि अखिलेश आजमगढ़ से और साथ साथ आजम खान रामपुर से ही लोकसभा सदस्य हैं, विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को बहुमत हासिल हुआ है। वहीं अखिलेश यादव के हाथ मायूसी ही लगी है। हालांकि अखिलेश ने अपनी करहल सीट तो बचा ली है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश सांसद रहेंगे या फिर विधायक। वो फिर से दिल्ली के सदन में बैठेंगे या फिर यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर बैठना पसंद करेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव अपनी विधायकी छोड़ेंगे और केवल अखिलेश ही नहीं बल्कि रामपुर से चुनाव जीते आजम खान भी अपनी विधायकी छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक चुने गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये दोनों नेता विधानसभा नहीं जाएंगे बल्कि सांसद के पद पर ही बरकरार रहेंगे। कि लोकसभा में एसपी के 5 सांसद हैं और सियासी माहौल को देखते हुए लोकसभा में एसपी कमजोर नहीं होना चाहती, क्योंकि अगर अखिलेश और आजम खान ने सांसदी से इस्तीफा दिया तो लोकसभा में एसपी के केवल 3 सांसद रह जाएंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं, जबकि आजम खान रामपुर से सांसद हैं और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पहले ही कम सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर ये दोनों नेता इस्तीफा देते हैं तो सिर्फ 3 सदस्य रह जाएंगे लोकसभा में। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी सीनियर नेता को बनाएगी जो विधायक चुना गया है, जबकि अखिलेश यादव और आजम खान लोकसभा में सांसद के रूप में काम करते रहेंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अखिलेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे तो सीधे बीजेपी से लड़ सकते हैं। 2 साल बाद साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में अखिलेश यादव की यूपी के सदन से दूरी को राजनीतिक जानकार ठीक नहीं समझ रहे। टीम न्यूज़ स्टेट।